हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने YouTube की अर्निंग को कैसे बढ़ा सकते हो, यानी कि आप अपने CPM RPM को कैसे बढ़ा सकते हो। दोस्तों, ये बहुत कम चांस होते हैं, मतलब लोग कई आपने देखा होगा कई लोगों की वीडियो के मान लीजिए 1 लाख व्यूज़ पे उनको $2,000 मिल जाते हैं, और कईयों की वीडियो पर आपको देखा होगा आपने 1 लाख व्यूज़ पे $100 भी नहीं बन पाते, और वो क्या कमी करते हैं, मतलब उनके CPM में इतनी कमी आ जाती है। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, कम्प्लीटली गाइड करता हूँ। अगर आप वही चीज़ दोहरा रहे हो, अगर आपकी अर्निंग कम है, तो इसका मतलब आप भी वही गलती कर रहे हो जो वो लोग कर रहे हैं, 1 लाख व्यूज़ पे $100 भी नहीं बनते। और कई लोग ऐसे बैठे हैं 1 लाख व्यूज़ पे मतलब $500 भी ले जाते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने CPM को RPM को कैसे बढ़ा सकते हो। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो के एंड तक, तभी आपको समझ में आएगा और आपकी अर्निंग बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकता, मतलब डबल भी हो सकती है या मतलब थोड़ी सी बढ़ सकती है। लेकिन ये स्टिल कॉन्फिडेंस से मैं कह सकता हूँ कि अगर आप ये चीज़ अप्लाई करते हो तो आपकी अर्निंग वो नहीं रहेगी जिससे आप सेटिस्फाई नहीं हो। इसलिए दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए हम चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे और मैंने यहाँ पे गूगल एड्स ओपन कर रखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम गूगल एड्स पे अपने कीवर्ड्स को फाइंड करेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि लोग एड्स का क्या रेट पे कर रहे हैं, और हम उसी कीवर्ड्स को यूज़ करेंगे जो बहुत ज़्यादा बिड में होगा। अगर वही कीवर्ड्स आप अपने टॉपिक के हिसाब से चूज़ कर लोगे तो आपको अर्निंग बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांस हो जाएंगे। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ कि उसके बाद आपको क्या करना है। आप यहाँ पे टूल एंड सेटिंग पे जाना है, देन आपको प्लानिंग में जाना है, उसके बाद आप कीवर्ड प्लानर पे जाओगे, उसके बाद आपको डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे जाना है, देन आप यहाँ पे लिख सकते हो यूट्यूब चैनल ग्रोइंग। ये एक कीवर्ड है, और इसके रिलेटेड अगर आपका टॉपिक है तो आप सिर्फ और सिर्फ हाई कंपटीशन के ही टैग्स यूज़ करिए। जैसे कि आप देख सकते हो, मतलब इसका ₹5 एक क्लिक का मिलता है, तो आप इस टैग को भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आपको वो कीवर्ड्स देखने हैं जिसकी बिड रेट बहुत ज़्यादा होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, मिनिमम ₹5 है। उसके बाद आप देख सकते हो कोई और टॉपिक यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आप लगा लो कोई भी टॉपिक आप यूज़ कर सकते हो, सब्सक्राइबर्स ग्रोइंग टिप्स। उसके बाद आप इसको सर्च करोगे तो आप देख सकते हो दोस्तों, मतलब इस पर भी आपको ₹10 वाला टैग है, इसको आप यूज़ कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ वही टैग फाइंड करने हैं गूगल एड से जिनकी बिड बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देख सकते हो टॉप ऑफ बिड, और ये ₹10 में चलती है, मतलब ₹10 में एक व्यूज़ मिलता है। अगर आप गूगल ₹10 में ले रहा है तो यूट्यूब को कितना दे रहा है, और यूट्यूब आपको कितना देगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर आप वो टैग यूज़ करोगे जिसकी बिड बहुत ज़्यादा है, तो आपकी अर्निंग बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप अपनी अर्निंग को बढ़ाने के लिए सीख ही गए होंगे कि आपको क्या करना है, आपका CPM कैसे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, मैं मिलता हूं नई वीडियो में। जय हिंद।